हाँ हाँ कोई नहीं, दे दो मुझे अपना नंबर, फोन निकालो, मेरा आपको नंबर दे दो। अरे फोन, अरे तू क्या बोल रहे है यार, इसके पास फोन कहाँ से आएगा? चल मैं चोक लग रही चाहिए। हाँ यार, अरे वो देख कितनी अच्छी गाड़ी है यार। हाँ एक काम करेगा, बोल। मेरी फोटो खींच दे यार उसके साथ में। चल ठीक है आ जा। ये ले फोन। पिक ले जल्दी से। अच्छी अच्छी पिक आ रही है। अरे वो देख, अरे ये तो याद है ये। अरे हेलो, और भाई कैसा है? बढ़िया यार, सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको, मतलब याद नहीं आ रहा। हाँ अरे हो जाता कभी कभी। अरे यार याद कर, अपने कॉलेज में टॉपर। अच्छा 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 मलकी। हाँ अच्छा, वैसे ये गाड़ी साफ क्यों कर रहा है? तो क्या हो गया भाई, गाड़ी साफ करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लेता हूँ कभी कभी। यार टॉप करके किया ही किया इसने, यही काम तो कर रहा है। वैसे एक बात बोलूं, पढ़े लिखे होने का फायदा नहीं है क्योंकि गाड़ी साफ कर रहा है ना। तो गाड़ी साफ करने में प्रॉब्लम क्या है भाई, कोई भी कर सकता है। होता तो कुछ नहीं होता, यही बोल रहे हैं ना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक काम कर, इसको ना अपना नंबर दे दे, क्या पता कहाँ पे जरूरत हो जाए ना। हम गाड़ी लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे तो साफ करवानी पड़ जाएगा। अरे यार ये टॉपर है समझा कर, ये सिर्फ गाड़ी है ना यहीं पे साफ करता है, तो हमें अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, जबी तो ये साफ करेगा ना। और वैसे भी पढ़ाई इसने की किस लिए है? इसीलिए तो पढ़ाई की है कि गाड़ियाँ साफ कर सके। सही कह रहे हो भाई, ये बात तो सही है, गाड़ी साफ ही तो कर रहा हूँ मैं भी। हाँ चल मैं दे ही देता हूँ नंबर यार, बुला हाँ। लेंगे ना। एक काम करते हैं, हमें ना जब गाड़ी लेंगे तो तेरे को बता देंगे, ठीक है? उसके बाद में ना तू हमें कॉल कर लियो, तो हमारी भी थोड़ी सी गाड़ी साफ कर दियो। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। और वैसे भी ये गाड़ियाँ साफ करके पैसे कमाता ही कितने होगा, थोड़े बहुत कमाता होगा गुजारे के लिए। तो कोई बात नहीं, अगर तेरे को कभी जरूरत पड़े ना तो हमें कॉल कर लियो, हम तेरे को पैसे दे देंगे। हाँ हाँ कोई नहीं, दे दो मुझे अपना नंबर। फोन निकालो, मैं आपको नंबर दे दूँ। अरे फोन, अरे तू क्या बोल रहे है यार, इसके पास फोन कहाँ से आएगा? चल मैं देता हूँ नंबर। हाँ हाँ दे दो। ये नंबर भी और 500 रुपए भी, क्या है ना तेरे घर का थोड़ा खर्चा चल जाएगा। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो भाई। जरूरत पड़े ना तो बता देना, कॉल कर देना, हम पैसे दे देंगे। वैसे भी हमें ना बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो तुम दोनों? SBS इंडस्ट्री का तो नाम सुना ही होगा आपने। हाँ सुना है, वही काम करते हैं, 18 लाख का पैकेज लगा है। अरे भाई यार किसको बता रही है, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। तुम्हारी तरह हम फ्री नहीं रहते ना जो ऐसे काम कर सके, तो हमें जाना पड़ेगा, ठीक है? कभी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। चलो आप लोगों को काम पे नहीं रख सकता। क्यों? वो क्या है ना कि मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूँ। क्या कंपनी बंद कर रहे हो? मतलब ये है ना कि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया है, तो इसलिए मुझे कंपनी अब बंद करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ उन्होंने मुझे कार वॉश करने का ऑफर दिया है। कार वॉश? हाँ क्योंकि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने वाले हैं ना। क्या बोल रही है? तो उन्हें कपड़े वो अभी जरूरत है पड़ेगी मेरी, तो मुझे उन्हें गाड़ी साफ करनी पड़ेगी ना, तो मैं कंपनी कर रहा हूँ बंद और मैं तुम्हें अब काम भी नहीं रख सकता। अरे ये क्या, ये है यार, चल सॉरी बोल, जल्दी जल्दी चल यार, गलती हो गई। अरे तुम हो बॉस? हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा बॉस। सर
सॉरी सर, हमें पता नहीं था आप ही बॉस हो। अरे यार मैंने क्या क्या बोल दिया इसको। तो मतलब तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुमने मेरी एंट्री इंसल्ट कर दी। अब कल को तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगे तो कल को मेरे एम्प्लॉयमेंट की भी ऐसी बेइज्जती करोगे। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, सॉरी, आगे से कभी नहीं होगा सर, प्लीज हमें जॉब से मत निकालो सर। भाई बात ऐसा है, अपनी सॉरी को रखो अपने पास, और ये जो तुम्हारे 500 रुपए ना पकड़ो, वो क्या है ना, जॉब से जा चुके हो तो भाई घर खर्च चलाने में काम आएगा ना, और मैडम आप तो गाड़ी लेने वाले हो तो उसमें भी काम आ जाएंगे, तो चलिए निकलो यहाँ से। अरे यार हमारे से गलती हो गई, प्लीज आप हमें माफ कर दो। गलती अपने पास रखो और सॉरी भी। सर हमारी बात, निकलो, नौकरी ढूंढो। नहीं वो बोल ले, फोटो खींचनी है।